से पूछो खोई हुई आवाजों से बर्फ से नीली चादर बनकर लिपटे तो फिर क्या होता है खामोशी में मन से पूछो। अर्शद
अर्शद उठ, अर्शद बहुत फिट जगह है ये, उठ यार। भाई साहब जी, ये जब उठेगा ना तो इसे बताइएगा मैं उतर के, ठीक है जी? अच्छा वो यार, ये रोकना जरा एक मिनट। अर्शद अर्शद, सॉरी। यार भाई वो मेरे साथ एक बंदा था ना, वो बड़ा पप्पू सा बच्चा था, वो स्वेटर ऐसे गले में डाला हुआ था, कहाँ गया वो? वो तो पीछे उतर गया। अच्छा, पीछे 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 कहाँ? बालाकोट। बालाकोट उतर गया वो? तो तू भाई रोका क्यों नहीं तुमने उसको? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, अपनी मर्जी का मालिक है, कहीं भी उतर जा। अबे यार भाई भाई बस रुको यार। हेलो भाईजान, बस रुको बस रुको।
शुक्रिया भाई। पे इतनी नींद तो मुझे अपने बेडरूम में नहीं आती जैसे तू बस में सो रहा था। इन सब बातों को छोड़, ये बता तेरे वो फूल पौधे कहाँ भागे जा रहे थे जिनके पीछे तू कैमरा लेके निकल गया। अबे यार तूने तो ईमान से मेरी जान ही निकाल दी थी। पता है सुबह से मैं बहाने तलाश कर रहा था कि क्या कहूँगा तुम्हारी मम्मी डैडी से कि पता नहीं कहाँ किस जगह किधर मर गया। क्या कमाल के लैंडस्केप्स थे यार, अगर तू देखता ना तो तेरे जैसा बदजौक भी उतर जाता बस से। ओ भाई अगर ये तुम लैंडस्केप्स देखते रहे ना तो मेरा तो काम हो गया। तो और किस लिए लाया तू मुझे? अरे यार पहले मेरा काम तो हो जाने दो, फिर तुमको जहां जाना हो जिधर भी जाना हो ना जिधर दिल करे वहां तुम चले जाना खुश। ओके मैं होटल का मालूम करता हूँ। भाईजान भाईजान बात सुनिएगा, ये बताएं कि ये होटल किबलाई सॉरी किबलाई कह रहा हूँ, होटल कवाई का है? ये सामने पड़ी। अच्छा वो सामने वो कवाई होटल है? इतना इतना दूर जी चले? चलना जीप जी। अबे जीप में जाएंगे ना? जीप नहीं जाती, पैदल चलना पड़ेगा। पैदल नहीं ना कोई होगी सड़क यार, अबे इतनी दूर है यार चलते पैदल। मेरी जान प्यार किया है तो ये पहाड़ क्या चीज है? कम ऑन। अबे यार टांगे दुख रही मेरी मान से यार। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। वो आपकी इस होटल में हमें कमरा मिल जाएगा खाली? सिंगल के डबल? मेरे ख्याल में डबल ठीक रहेगा। क्यों डबल सही है? मैं क्या बोलूँ तूने ही रहना है इस होटल में। नहीं यार ठीक ही है, बल्कि अच्छा खासा होटल है, खूबसूरत भी है। और हाँ मुझे एक बात तो अभी जाकर याद आई है, वो एक्चुअली हमारे एक करीबी रिश्तेदार भी यहाँ पर आकर ठहरे हुए और काफ़ी दिन से यहाँ ठहरे हुए हैं। उनका नाम शबान अली खान है। तो क्या आप हमको थोड़ा सा डिस्काउंट तो देंगे ना? शबान अली खान वो मोटे से गोरे से? हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट सही उल्लेख बताया आपने बिल्कुल। वो तो चले गए यहाँ से। क्या क्या मतलब चले गए? क्या वापस चले गए? वापसी का मालूम नहीं लेकिन यहाँ से चले गए। अरे यार क्या हो रहा है ये? अच्छा ये तो बता सकते हैं आप कि कितनी देर पहले यहाँ से निकले, मतलब क्या टाइम क्या हुआ था उस वक्त, कुछ बताएं? आपके आने से एक घंटा पहले निकले हुए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते ना तो अभी एक घंटा पहले ही हम यहाँ पे मौजूद होते, सारे प्रोग्राम का बेड़ा खराब कर दिया। अगर तू एक घंटा पहले पहुँच जाता तो तू क्या उन्हें रोक लेता? तू उन्हें रोक सकता था? अच्छा क्या करना क्या है? क्या करना है, इस होटल में कमरा लेंगे और ठहरेंगे। भाई मैं उनके पीछे कराची तो नहीं जा सकता, कम से कम 3-4 रोज। नहीं वो कराची तो नहीं गए लेकिन ये जगह पसंद नहीं थी, वो किसी दूसरे होटल चले गए। मतलब चांस है अभी बचा। चलो आओ फिर ढूंढे उन्हें पूरे शहर में। शुक्रिया। बस बस तेरा दिमाग खराब हो गया, इस शहर में 115 होटल है, तू कहाँ कहाँ ढूंढता पड़ेगा उन्हें ये बोझ लेकर। यार यहाँ पर आसपास जो 4-5 बड़े बड़े होटल हैं एटलीस्ट वहाँ पर तो देख ले। तुम दुनिया के सारे होटलों में तलाश कर लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ पर कहीं बिठा दो। तुम तो घूमने आए हो ना तो घूम तो रहे हो। मुझे कोहलू के बैल की तरह नहीं घूमना, पिछले 7 घंटे से मैं वॉशरूम नहीं गया। तो चले जाओ, यहाँ तो हर बड़े पत्थर के पीछे एक वॉशरूम है, कुदरती वॉशरूम ओपन एयर। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये बेवकूफ़ी की हरकत क्यों कर रहे हो, जब तुम्हारी उस आदमी से जान निकलती है तुमने उससे छुप छुप कर रहना है तो फिर उस पत्थर के होटल में रहने की क्या जरूरत है जहाँ पर वो रह रहा है। अरे यार तो फिर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, दूरबीन लगा कर देखूँ उस लड़की को। अच्छा बात सुन, वो देख सामने होटल दिख रहा है, एक काम करते हैं वहाँ चल के पूछते हैं, नहीं मिले तो तुम ड्रॉप हो जाना और मैं अकेले ढूंढ लूंगा। ठीक है डन 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 डन।
बिंगो वाह 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 वा, क्या एंट्रेंस है यार, दरवाजा तो देख उफ, किसी महल से कम नहीं लग रहा यार, जबरदस्त यार, कितना बड़ा लॉन है। चलो कम से कम यहाँ वॉशरूम तो मिलेगा। वही हाँ, वो सामने बैठी कौन? गुलमीना। जी सर। क्या आपने बुलाया? नहीं। हाँ हाँ, ऐसा करो कि हम दोनों के लिए दो कॉफ़ी। हाँ तो कॉफ़ी ले आओ। आप वहाँ आके आराम से बैठ जाएंगे? नहीं वहाँ नहीं, नहीं यहाँ सही है ना, मौसम अच्छा है, ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल। वहाँ का भी सर मौसम है अच्छा ही है। ठीक है चलो तुम। यार कुछ खाने के लिए भी ले आओ। जी सर क्या खाएंगे? चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, भुना सब्जी। बासुल यार वो लोग तो उठ के चले गए। मेरी बासुल तू ऐसा कर के यहाँ सामान की हिफाजत कर। हाँ मैं उनके पीछे जाकर देखता हूँ कहाँ जा रहे हैं वो। ठीक है यार एक सैंडविच ले। ओ बाथरूम किस तरफ? ओके इसमें क्या है?
भाई साहब वो मेरा यहाँ सामान पड़ा हुआ था, कहाँ गया? वो मैडम के पास है जनाब। कौन मैडम? Yes. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरा लगेज आपने? मेरे पास है, ले जाइएगा। पहले बैठिए, एक कप चाय तो पीजिए, अभी तो नींद नहीं उतरी ठीक से आपकी आंखों से। आप नींद की बात कर रही हैं, मेरे तो होश ही उड़ गए। I'm sorry. दरअसल आप इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी अगर मैं आपका सामान ना उठवाती तो कोई और उठा लेता, फिर तो आपके होश हवा में ही रहते। थैंक यू सो मच। कहीं आगे जा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो अभी पहुँचे हैं। तो फिर किसी का इंतज़ार हो? बस ऐसा ही समझ लीजिए। तो फिर आप अपना सामान यहीं पे रहने दीजिए, फिर ले जाइएगा। बल्कि अगर आप आराम करना चाहें तो उसका भी मैं इंतज़ाम करवा देती हूँ। आई थिंक मैं अपना सामान यहीं छोड़ देता हूँ, खुद मैं बाहर ही ठीक हूँ। यहाँ के सुकून में नींद के लिए कुछ खास अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लीज़ आप मेरे लगेज में रखवा दीजिए बस, और मैं ये अपने साथ ले जाऊँ। थैंक यू। यार आज तुझे साबित कर दिया तो कितना बेवकूफ आदमी, स्टूपिड। अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करता तो आराम से इस होटल में अपनी थकान उतार कर उनके आने का इस्तकबाल करता। बस बस, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। जब तुझे इश्क होगा ना तो पूछूंगा। बेटा सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते, ये जो हाथ पांव है ना ये भूल जाते। मैंने और भी बहुत आशिक देखे हैं बेटा, तू पहला आदमी नहीं जो इस काम का माइलस्टोन रख रहा है। अच्छा बात सुन, इन सब बातों को छोड़, जाके पता करना भाई कोई कमरा शमरा मिल जाएगा या नहीं। कमरा? हाँ। तुझे पूरा होटल दिलवा दूँ? बच्चों कम 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 कम। जी जी ठीक है, जी जी सही है, ठीक है मैं 5 मिनट में बात करवाता हूँ। रूम कौन कौन सा खाली है हमारे पास? 204-221-223-203 इन लोगों को दे दो, और याद रखना ये मेरे VIP गेस्ट हैं। क्या बात है बॉस, तू तो यहाँ बैठे बैठे VIP हो गया। आपका नाम सर? फरदीन नोरेस। बहुत सर्दी है यार, तू सही है हॉट गाय। भाई ये बात सुनिएगा, आपका जो ये रूम है इसका किराया कितना है? सर मुझे मालूम नहीं है, नीचे इसका हिसाब से मालूम लीजिए। ठीक है, दरवाजा बंद करके जाइए।
क्या कर? अबे पूछ तो लूं यार, ये जो तेरी मैडम है ना, चूना लगा देगी मुझको। अबे उसने ये रूम तुझे देख कर दिया है, पैसे तो मुझे भरने पड़ेंगे ना। तो मेरा ख्याल है कि 4-5 हज़ार से कम का तो नहीं होगा ये रूम। रहने दे, कोई जरूरत नहीं बात करने की, मैं दे दूंगा। क्यों भाई, तुम क्यों दे दोगे? खामा खामे, और वैसे भी इस रूम का हमें करना ही क्या है, 2-3 घंटे के लिए आके सोना ही तो होगा, और क्या। इधर आ, ये देख, इस वक्त तो अंधेरा है लेकिन सुबह तुझे यहां से 1 लाख रुपए का व्यू देखने को मिलेगा। जस्ट इमेजिन। बात सुन, ये जो तेरा 1 लाख रुपए का व्यू है, इसे हम शहर में जाकर 50,000 रुपए का बेच सकते हैं क्या? बात करता है। अरे मेरे ख्याल में एडवांस मांग रहा होगा। हेलो फरदीन जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। बेगम साहिबा का फोन है आपके लिए। हाँ जी, आइए आइए। हेलो, कैसा लगा कमरा? इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ बिल्कुल इस तरह से रहिएगा जैसे अपने घर में रहते हैं। कुछ भी चाहिए हो कह दीजिएगा। ओके, थैंक यू। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इस रूम का रेंट 10,000 रुपये, लेकिन आपके लिए सिर्फ 7,000। ₹7,000? चल भाई वापस। अरे यार लुक तो देख इसकी। अरे मैं लाना भेजता हूँ ऐसे लुक पर यार। मैं इस लुक के चक्कर में तेरे साथ आया, वरना तेरे अंकल की शक्ल तो मैंने कराची में भी देखी थी। मजाक कर रहा था यार, रेंट की कोई बात नहीं। वाह, ये पार्ट अच्छा है। अच्छा सुन, अपनी मैडम से आगे जरा ये तो पूछना कि मेरी जान का रूम कौन सा है। औकात से बढ़ने की आदत गई नहीं तेरी। 205। वाह जबरदस्त, तुझे कैसे मालूम? रिसेप्शनिस्ट के पीछे नंबर लगे। वहाँ हाय हाय हाय, इतना पास होकर भी इतनी दूरी। जी जी हाँ। गुलमिना, कोई तो रास्ता निकालो ना मिलने का। वो अब्बा भी बैठे हैं। अरे वो तो कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने देंगे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब्बा, काशवा का फोन है, सलाम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बात करा उससे। मीना, मीना प्लीज, किसी भी तरह इस समाज की दीवार को फलांग कर निकल आओ ना प्लीज। लाओ ना भाई, मैं इकबाल का पूछ लू, तुम लोग किसे तो चलते ही रहेंगे। हेलो हेलो, हेलो, हाय हाय, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ की लोकल डिश है। ओह थैंक यू वेरी मच मैम, बट इट्स टू मच। हम जब से यहाँ आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री तो खा रहे हैं। हमारे कुछ मेहमान खास होते हैं आप लोगों की तरह। मैं ना एक बात कहूँ? क्या? हम दोनों कब तक यूं ही इसी तरह मिलते रहेंगे? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों को अपना अपना कोई फैसला कर लेना चाहिए। कैसा फैसला? We'll be right back.
फरदीन से बात हो सकती है? फरदीन तो है नहीं, बाहर निकले हुए हैं। ऑलराइट, आप उनको बता दीजिएगा कि मुजना ने कॉल किया था। आप उनके घर से बात कर रही हैं? नहीं, मैं उनके दिल से बात कर रही हूँ। से पूछो मन से पूछो खोई हुई आवाजों से बर्फ से नीली चादर बनकर लिपटे तो फिर क्या होता है खामोशी में आवाज़ों की गिनती करना क्यों होता है क्यों होता है क्यों होता है से पूछो मन करता है सबसे का ये आंगन बातें करता है ये चलता बहता जीवन खुशबू के सारे सिक्के सड़क किनारे